भी डिस्कस किए हैं जो प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज पूछे गए हैं एयर पोल्यूशन पोल्यूशन से रिलेटेड तो आप वो वीडियो भी या फिर वो सीरीज भी जाकर देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम बात करेंगे केमिकल और बायोलॉजिकल पैरामीटर्स की। लास्ट वीडियो में हम फिजिकल पैरामीटर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं आज हम स्टार्ट करेंगे विद द केमिकल पैरामीटर्स केमिकल पैरामीटर्स में सबसे पहले हम कवर करेंगे पीएच को पीएच जो पानी का है वो बताता है कि आपका पानी कितना एसिडिक या कितना बेसिक है अगर आपके पानी में एसिड ज्यादा है एसिडिक है तो एच प्लस आयन्स की अधिकता होगी और अगर आपके पानी में आ, आपका पानी बेसिक है तो ओ एच माइनस आयंस जो है वो ज्यादा होंगे पीएच की जो रेंज है वो जीरो से फोर्टीन होती है और जो सेवन है वो न्यूट्रल शो करता है यानी कि ना ही एसिडिक ना ही बेसिक तो सेवन यहाँ पर जो है वो आपको न्यूट्रल शो करेगा और उसके अलावा सात से ऊपर यानी कि आठ से लेकर चौदह तक या सात से थोड़ा भी ज्यादा सेवन पॉइंट वन सेवन पॉइंट टू भी आपका जो है वो बेसिक नेचर शो करता है और जो आपका जीरो टू सेवन की रेंज में आएगा वो एसिडिक शो करेगा राइट right? इसके बाद हम बात करते हैं कि जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो ऑलरेडी अडेप्टेड हैं कुछ सर्टेन पीएच पर और अगर थोड़ा भी पीएच ऊपर नीचे होता है तो वो सफर करते हैं उनकी जो लाइफ है वो सफर करती है नेक्स्ट इज नाइट्रोजन आपके पानी में नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो नाइट्रेट Uh, से हम देख सकते हैं नाइट्रोजन इज इन द नाइट्रेट फॉर्म इज न्यूट्रिएंट टू द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स प्लांट के लिए हमें पता है नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम काफी नेसेसरी होता है तो अगर नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ेगी तो जो आपके प्लांट्स हैं वो भी ज्यादा से ज्यादा ग्रो करेंगे हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रेट इन वॉटर सरफेस वॉटर कैन स्टिमुलेट द रैपिड ग्रोथ ऑफ एलगी विच

मिथिमो -ग्लोबी -नीमिया भी कहते हैं याद रखिएगा ये नाम हम ऑलरेडी हम एक वीडियो स्पेसिफिकली डिजीजेस के बारे में डिस्कस करेंगे उसमें सारे डिजीजेस लेकिन यहाँ से भी आप याद रख सकते हैं कि नाइट्रोजन से रिलेटेड या नाइट्रेट से रिलेटेड आपका जो डिजीज है वो है ब्लू बेबी सिंड्रोम जो कि इन्फेंट्स में होता है छोटे बच्चों में होता है इस डिजीज में होता क्या है द नाइट्रेट आय रिएक्ट विद ब्लड हिमोग्लोबिन जो आपका अः बाइंडिंग कैपेसिटी रखता है जो आपका हीमोग्लोबिन है उसके साथ नाइट्रेट रिएक्ट करता है और जो ब्लड की एबिलिटी है ऑक्सीजन को होल्ड करने की क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को होल्ड करने में मदद करता है अब अगर उससे नाइट्रेट आकर चिपक जाएगा तो ऑक्सीजन होल्ड करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी और जो बच्चा है जो इन्फेंट है वो आपको नीले रंग का दिखाई देने लगता है इसीलिए इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं नेक्स्ट इज क्लोराइड क्लोराइड नेचुरली होता है हमारे पानी में और थोड़ी सी भी ज्यादा क्वांटिटी अगर है तो वो इंडिकेट करेगा कि वेस्ट वाटर पोल्यूशन है अः सरफेस वाटर जो है वो सेवरल सोर्सेस से आता है जैसे कि uh, जो रॉक्स हैं जिनमें क्लोराइड है वहां से एग्रीकल्चरल रनऑफ से और वेस्ट वाटर से नेक्स्ट इज फ्लोराइड अगर आपके पानी में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ती है तो आपको एक डेंटल कंडीशन हो सकती है जिसे हम डेंटल फ्लोरोसिस कहते हैं यानी कि आपके दांत खराब होना जो डिसकलर्ड टीथ हैं वो होना शुरू हो जाएंगे दांत खराब होना स्टार्ट हो जाएंगे नेक्स्ट इज हार्डनेस ऑफ वाटर हार्डनेस ऑफ वाटर जो है वो आती है आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन से जो कि वाटर को हार्ड करता है जो आपका वाटर है वो दो तरीके से हार्ड वाटर दो तरीके के होते हैं एक है टेम्पररी हार्डनेस और एक है परमानेंट हार्डनेस तो टेम्पररी हार्डनेस आएगी ड्यू टू कार्बोनेट्स यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट्स और मैग्नीशियम कार्बोनेट्स या फिर कैल्शियम और मैग्नीशियम बाई ये आपका इजीली बॉयलिंग से ठीक किया जा सकता है जो पानी की हार्डनेस है उसे हम बॉयलिंग से रिमूव कर सकते हैं लेकिन जो परमानेंट हार्डनेस है वो बॉयलिंग से रिमूव नहीं होती है और वो मेनली कॉज होती है सल्फेट्स और क्लोराइड्स की वजह से यानी कि कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट्स या फिर कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड्स की वजह से परमानेंट हार्डनेस होता है ये आप याद रखिएगा यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है कि सोप जो हम यूज करते हैं साबुन अगर पानी हार्ड होता है तो वो उसमें उसके साथ मिलकर और स्कम का फॉर्मेशन कर लेता है जो कि आपकी ऊपर व्हाइट व्हाइट लेयर जो आपको ये दिखाई दे रही है इसे हम स्कम कहते हैं और ये हमारे हाथ को या जो भी चीज आप साफ कर रहे हैं उसको साफ करने में कारगर नहीं होता है लेकिन अगर हम इसकी जगह जब हम हार्ड वॉटर की बात करते हैं तो अगर हम डिटर्जेंट्स का यूज करें तो वो कारगर होते हैं हार्ड वाटर से सफाई करने के लिए दे एंटर वाटर मेनली फ्रॉम कॉन्टैक्ट विद सॉइल एंड रॉक पर्टिकुलरली लाइम स्टोन डिपॉजिट्स लाइम स्टोन जो है या सॉइल और रॉक की मदद से ये आपके पानी में पहुंचते हैं

क्वालिटी ऑफ वॉटर है बेटर होगा अच्छा होगा अब बात करते हैं बायोलॉजिकल पैरामीटर्स की तो यहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट हेल्पफुल इंडिकेटर्स ऑफ वाटर क्वालिटी मे बी द प्रेजेंस और एबसेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आप बायोलॉजिकल पैरामीटर कैसे चेक कर सकते हैं कि आप किसी भी पानी में किसी भी सोर्स ऑफ वाटर में आप देख लीजिए कि कितने स्पीशीज आपको मिल रही हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की है बायोलॉजिस्ट कैन सर्वे फिश एंड इंसेक्ट लाइफ ऑफ नेचुरल वाटर्स एंड एस द वाटर क्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ कंप्यूटेड स्पीशीज डाइवर्सिटी इंडेक्स यानी कि एस स्पीशीज डाइवर्सिटी इंडेक्स से वो चेक कर सकते हैं कि पानी कितना अच्छा और कितना पोल्यूटेड है Um, वेल बैलेंस स्पीशीज इज रिगार्डेड एज अ हेल्दी सिस्टम ऑफ कोर्स ज्यादा से ज्यादा स्पीशीज अगर पानी में पाई जाएंगी तो वो हेल्दी सिस्टम माना जाएगा सिस्टम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर की हम बात नहीं कर रहे हैं of course, उसमें अगर आपको ज्यादा स्पीशीज मिलती हैं तो वो आपके अः पीने के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है इंस्टेड ऑफ काउंटिंग द नंबर ऑफ पैथोजेंस हम पैथोजन का काउंट ना करके हम क्या काउंट करते हैं कोलीफॉर्म बैक्टीरिया एक्चुअली कोलीफॉर्म बैक्टीरिया सा बैक्टीरिया है जो कि अगर पानी में कोई भी और तरह का पैथोजन होगा अगर प्रेजेंट तो कोलीफॉर्म बैक्टीरिया का मिलना तय है तो हम कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की प्रेजेंस को चेक करते हैं अगर कोलीफॉर्म बैक्टीरिया प्रेजेंट है दैट मींस कि कोई ना कोई पैथोजन उस पानी में प्रेजेंट है कोलीफॉर्म बैक्टीरिया को हम दो तरीके से पता कर सकते हैं मेंब्रेन फिल्टर टेक्निक और कोलीफॉर्म इंडेक्स टेस्ट के द्वारा दैट इज ऑल फॉर टूडेज वीडियो अगर आप वीडियो एंड तक देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करें अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आया है शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ अगर आप नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने फीडबैक या फिर अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप हम इन सभी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं आप लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं और उन पर क्लिक करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं थैंक यू सो मच